वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग के साथ। मैंने इससे पहले भी इंट्रो शूट किया था, पर पता नहीं कैसे मेरा माइक ऑफ हो गया, इसलिए मैं अब इंट्रो शूट कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि विंटर्स में जो है हम अपने खेतों में क्या क्या करते हैं। जैसे गर्मियों में भी काम होता है, सर्दियों में भी बहुत काम होता है, जैसे कि खुदाई करनी होती है, प्रूनिंग होती है सेब की। तो आज मैं अपने खेत आई हूँ और हमारी तौलिए करने जो है लेबर लगी है वो है, और प्रूनिंग के लिए भी आए हैं। वो रिलेटिव ही है हमारे, वो हर साल हमारी प्रूनिंग करते हैं, तो इस साल भी वो आए हैं। तो अभी तो वो नीचे वाले खेत गए हैं, जो आपने पहले मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा खेत बहुत दूर है वो वहाँ गए हैं, तो आज वो वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आने वाले होंगे इस खेत के लिए, तो ये लोग यहाँ पर पहले से ही हैं। और मैं आगे जो है जो पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ, तो मैं इससे पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे हमें अपने सोने के लिए नरम और गर्म चाहिए, वैसे गाय के लिए भी जो पत्ते हैं बहुत सोने के लिए गर्म और थोड़े बहुत नरम भी होते हैं, इसलिए इनको इन पत्तों को जो है गाय इकट्ठा करके गाय के नीचे रख लेते हैं और गाय उनके ऊपर सोती है। तो इसलिए मैं पहले वो इकट्ठा कर रही हूँ आगे, और पीछे से ये लोग जो है खुदाई कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। क्या नाम है? सुनरा। आपका नाम क्या है? कोमल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नाइन्थ में। अच्छा, यहाँ कब आए, मतलब नेपाल से? हाँ, 2 महीने हुए। एक साथ ही आए थे आप लोग? ओके, वापस कब जाना है? 2 महीने बाद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। एग्जाम हो गए कि हो गए हैं? अच्छा, यहाँ तो अभी एग्जाम नहीं हुए। 10th पहली बार आए हो इंडिया की? इससे पहले भी आ गए हैं? पहली बार आए। ओके, ये बहुत शर्मा रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, और अभी अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या मेरे बारे में शायद से बुराई कर रहे होंगे या मजाक उड़ा रहे होंगे, जो तो समझ नहीं आ रहा है। एनीवे, हम अब आगे भी 3-4 पौधे रह गए हैं, हम उनके पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। Hey guys, it's little bit later. मैं जो है घर आई थी, बिकॉज जो हमारे कटिंग करने हैं, प्रूनिंग करने हैं, उनके लिए चाय और
जो खाने के लिए थोड़ा बहुत है वो सामान लाने, और अब मैं खेत जा रही हूँ उनको चाय पिलाने। चलिए चलते हैं। ये हमारा खेत है और ये दो गड्ढे हैं जिसमें गोबर भरा है। जब ये सड़ जाएगा तो इन्हें पौधे में डालेंगे। चलिए वो रहे नीचे जाना है। एक तो रास्ता ही यहाँ का इतना खराब। Excuse me. घात लगाए हुए किसी पे और मैंने डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बाय। यस प्रूनिंग कार्ड छांट इसलिए जरूरी होती है ना सेब में, क्योंकि जो पुराना इसमें जो बीमा होता है या कुछ एक्स्ट्रा टहनियां होती है वो निकालनी होती है और छांटनी होती है। ठीक है, उससे अगले साल जो फसल होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। प्रूनिंग है इसमें, इसको हम काटेंगे ना। ये हमने काट दिया है, ये काट दिया ना, ये काट दिया। अगर इसको ऐसे ही रहने दिया जाए तो इसमें जो ये बीमा है ये ऊपर को आ जाएगा सीधा ऊपर। तो इसे हम काटेंगे तो इसमें नया वो हो जाएगा, नया पिन बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के ऊपर। ठीक है जी। ओके जी। पेपरी बाग। पेपरी बाग है ये। फिर छिलते हैं पे पौधे को। पौधे को छीला जाएगा। बीमारी लग गई मेरे पौधे को। देखो स्वास्थ्य रखेंगे, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं होने की बात। यस प्रूनिंग जो है कर ली गई है और जो ये है एक्सेस वो नीचे कट जाता है तो उसको इकट्ठा करके जो है जलाने के काम आता है। Few inches later. फिर से यही मिल गए, क्या दिखा जा रहा है। क्या देख रहे हो? Oops. Hey, काम चोर काम पे करते हो आज। लकी मुझे। Oh my God! कोई लड़की अगर शादी करना चाहे तो प्लीज मुझे बताए, मेरे घर में बहुत काम है। काम के लिए चाहिए तुझे लड़की। पलट। Sorry guys, he's so dumb.
तुझसे शादी कौन करेगा? रुक जा, किसकी नजर में है कोई लड़की जो इससे शादी करे? हाँ है, करेगी कोई इससे शादी? लगता आपको करेगी? हाँ खुश हो गया। है कोई, है कोई आपकी नजर में? अगर है तो इसको बता दे, हेल्पर हो जाएगी इसकी। वैसे मेरे को नहीं लगता कोई इससे शादी करेगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्पफुल होगी, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी क्योंकि क्या होता है, कैसे होती है प्रूनिंग, अगर आपको अच्छी लगी होगी ये ब्लॉग तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या वीडियो बनानी चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ढेर सारा प्यार दें। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर होऊंगी, तो मैं रेगुलर ही हूँ। हफ्ते में मैं ट्राई करूँगी 2 वीडियो पोस्ट करने का, पर हफ्ते में 1 वीडियो तो ज़रूर आएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।